आज हमारे सबके लड़के इस शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष और मेरे बचपन के मित्र शोएब गुड्डू साहब और इस शहर की धड़कन सर्वप्रक्षी नेता जाहिद दल्ली साहब और हमारे अच्छे बड़े भाई माजी महापौर माजी खासदार और हमको हरदम अच्छा मार्गदर्शन देने वाले हमारे बड़े भाई सुरेश माहौले जी, तारिक फारूकी जी और एक हमारे मित्र पप्पू राकब जी, अभी भाई सबका नाम ले लेता हूँ, नहीं तो स्लो चलेंगे। संजय साहब, अहमद सिद्दीकी, अस्पाक तबुद्ध, अहमद सिद्दीकी, प्रशांत लाड, हमारे मराठा नेता मराठी नेते अश्विन भाई फारूक, जब्बार सेठ, इब्राहिम अलबादी, हबीब भाई, सभी वो बड़े नेता कांग्रेस के युवा हमारे अच्छा काम करते अध्यक्ष डॉक्टर हमारे चौथने साहब और कुछ जिसका नाम भूल गया माफ चाहता हूँ। और सामने से ही बैठे मेरे नगर सेवक भाई, मेरी महिला अध्यक्ष, महिला सभी कार्यकर्ता, वो सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस को और यहाँ के नेता को सबको जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। सबसे पहले बात तो मैं 25 साल हो गया कॉर्पोरेटर हूँ, 24 साल के उम्र में मैं पहली बार नगर सेवक बना और जब नगर सेवक क्या मुझे पता ही नहीं, पहले कुछ लोग जबर सिंह कामूर्ति साहब के सामने लाके खड़ा करते हैं, कामूर्ति साहब को हराने का था तो मुझे नगर पहले क्या पता ही नहीं था, ना मेरे को खानदान से जुड़ा नहीं, कुछ नहीं, इसको लगे लड़का है संतोष सिटी धामन लाके मैं उसको लाओ पकड़ के खड़ा कर दूँ। अब मुझे लाए पकड़ के मेरे कपड़े में भी अलग अलग जीन्स पैंट अलग अलग पहनता था, कोई सफेद शर्ट दिया, कोई चप्पल दिया और कोई पैंट दिया और चले बोले चल प्रचार को हाथ जोड़ बसल, मैंने हाथ जोड़ मैं भाग जाता था, फिर पकड़ के लाते वो इलेक्शन था 14 महीने का, वो बाय इलेक्शन हुआ था और मैं फिर भागता था, फिर लेके आते थे, मीटिंग में जाता नहीं था और उस टाइम कुछ इतना कुछ कायदा वायदा था नहीं, अच्छा अच्छा था नहीं। और वो इलेक्शन में काउंटिंग हुई, 4 वोट से मैं हार गया। हारने के बाद मैं क्या देखा, जो दौड़ रहे थे मेरे सब रोने लगे, अरे बोले रो क्यों रहे, मैं तो कभी इलेक्शन लिया नहीं हाथ में, ना कभी कोई खर्चा हुआ जो आया थे इनके दुश्मन बोलते खर्चा देते गए, मैं बोला करो मुझे करने का, तो मेरा कोई दिमाग था ही नहीं राजकरण का, लेकिन उस टाइम जो मैं देखा इतने रो रहे थे, बोले क्या गलती हो गया, बोला नहीं अभी गलती नहीं करनी। अब फिर जब मैं कोशिश किया जब चले इसको भरोसा मुझको ये सारा भाग जाएगा, उस टाइम सलाम आदमी थे कांग्रेस के, वो बड़े अच्छे नेता थे और सेम उस टाइम अच्छे अच्छे कांग्रेस के थे जो मुझे घर पर मानते रहते थे कि धामन नगर जो गणपति बैठती है, मैं थोड़ा आप लोगों को बता दो, मेरे लिए थोड़ा टाइम लेगा, मुझे अच्छा लगा सुनो तो मेरी शुरुआत कैसे होती लाइफ में देखो, ये तो मैं बीच में बोला उससे पहले की शुरुआत कर कैसे सलाम आदमी उस टाइम के जो बड़े बड़े नेता यहाँ सलाम भाई के डॉक्टर बैठे हमारे कादिर भाई तो विषय ऐसा था कि उस टाइम 84 में कोई दंगा हुआ था बराबर ना, हिंदू मुस्लिम का बहुत एक वाद था और धामन नाके में नाका था और हम लोग मजाक मजाक में गणपति रखते किसी को कुछ आता नहीं था, आरती बिल्कुल कुछ नहीं, जमा किए 500,000 रुपये एक मुट्ठी डाल दी, पीछे वजीर सेठ क्लब चलता था बहुत सुने हो बहुत नाम था और उस टाइम उन्होंने भी सपोर्ट दिया ठीक है करो, और करते करते कुछ सांसद कमेटी की नज़र हम लोग में पड़ी कि वो गणपति ऐसा था क्या पटेल कंपाउंड हमारा सोमानगर माधव नगर धामन नगर सब मिल के हम लोग ऐसे लगाते थे और बहुत बच्चे सबको था नहीं सबको मालूम थी नहीं हमको, हम सब मिल के गणपति लगाते कुछ नज़र उसमें हम लोग में पड़ी सपोर्ट किए कि नहीं यहाँ से शुरुआत थी। तो उस टाइम से मेरे जो धामन नगर मित्र जो सिंबल है वो 4 आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको 21 साल हो आज भी हुई और वो सब काम करने की वजह से उसमें ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि हम लोग कोई मस्ती करते थे खाली
हालांकि हमारे हिंदू धर्म में गंभीर बैठे नॉनवेज सब बनते हैं, हम लोग सब खाते थे, लेकिन 3 साल के बाद जब गणपति विसर्जन गए थे हमारे, एक अच्छा लड़का हमारा पानी में डूब के इंतकाल हो गया, गुजर गया। फिर झटका लग गया, गलत किया ना, अभी क्या करें। 4 साल ने हम लोग उसको ईमानदार से उपवास रखे, आरती लोग पंडित जी को बुलाए, पूजा किए, और हमको आती आता नहीं था, वो पंडित जी बोलते हम लोग सुनते थे, और हम शुरू कर दिए, जिसके 31 सालों के बाद पूरे महाराष्ट्र में उसका नाम, मतलब कोई भी चीज़ अच्छा लगा था। और हिंदू मुस्लिम का एकता ऐसा होता, इतने साल से गणपति है, इतनी भीड़ रहती है, कभी कोई आवाज, कभी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि नीयत अच्छी थी हमारी। हम खाली हिंदू हिंदू एक रख रहे थे। लोकमान्य तिलक जब भारत हमारा अंग्रेज के मुट्ठी में थी, और हम भारतीयों को हिंदू मुस्लिम सिख को एक होने से थे, उस टाइम लोकमान्य तिलक ने गणपति के माध्यम से, मस्जिदों के माध्यम से, हमको मीटिंग पूजा के माध्यम से एक किया, और गांधी जी के नेतृत्व में भारत से उनको भागा दिया। थामनगर भी एक उनके प्रतीक, उनके जो विचार थे वो लेके चले। आज इतनी बड़ी गणपति बैठती, इतने बड़े मोहल्ले में मस्जिद दो दो आजू बाजू है, और आज हिंदू मछली के प्रतीक गणपति हो गया। हमको हर साल CPO ऑफिस से राष्ट्रीय एकता माता का प्राइज मिलता है, मतलब हिंदू मुस्लिम इकट्ठा करके हम जब विसर्जन निकालते गणपति का, हम देखते हैं कि बहुत से उत्तर बड़े मुस्लिम लोग भी साथ में थे, मुस्लिम औरतें भी देखने आती थी, गुलाल हम डालते हिंदू का काम पूरा करते, लेकिन ऐसा भी नहीं काम करते कि मेरे साथ जो मुस्लिम भाई बहन आए उनको भी उनके धर्म में ये धर्म की बातें हमसे कोई कर सकता। ऐसे नगर सेवक बन गया मैं, और आज तक चलते आए, सब नसीब से मिला, लेते गए। राष्ट्रपति भी ऐसे हो गया, टाइम पर कपिल भट्ट साहब ने टिकट दिया, लड़ लिया, क्योंकि 3 बार इंडिपेंडेंट था। BJP पे तो लड़ नहीं रहा था, बोले टिकट ले, टिकट ले, कुछ 5 दोस्त अच्छे लोग बोल दिए, टिकट ले लिया, इलेक्शन उतर गया। 12 दिन खाली बचे थे मेरे को, मेरे ही कोई पार्टी नहीं था, खुद नहीं था, मेरा ही पैसा सब कुछ मेरा, और इलेक्शन लड़ा और 3 हज़ार से हारा। वो 3 हज़ार हारने के बाद जब बाहर निकला मैं, और जब पब्लिक थी भादुड़ की, जो चिल्ला रही थी, जो छेड़ रही थी, वो दिमाग में घुसा। घर पे आया, नहाया, ऑफिस जाके बैठा, करीब पेंटर को बुलाया, अमलिक आभार का पेंटर, सबका आभार, फिर काम पे लग गया, फिर काम पे लग गया। जिला अध्यक्ष बनाया मुझे भारतीय जनता पार्टी, जितना मेरी ईमानदार से मैंने काम किया, और इसी दौर के लिए काम किया कि मेरे को फिर से वो आवाज़ के बीच से निकलना है। वो एक जेम में लग के खलखला, ऐसा नहीं कि उठ चुके कोई भी आए चलो MLA बनने के लिए, हर चीज़ तो भगवान ने मुझे नसीब से दिया, लेकिन उसको मैं पकड़ के बहुत संभाल के रखता हूँ, और उसको साफ करके अलग रखते रहता हूँ। तो ये भी जब यूटी थी, मैं तो पहले भी हमारे पार्टी के लोग बोला अगर ये रहेगा तो मैं निकलने वाला हूँ, इतना नहीं था कि मैं कांग्रेस जाऊँगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ भी हो, लेकिन मैं जाने वाला हूँ। और जब लास्ट मीटिंग हुआ मेरा, उसने भी कहा पार्टी होता क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से अच्छा संगठन बनाया, मुझे उसको भी छेड़ना नहीं था। मैं मीटिंग बोला अगर ये यूटी रहती है तो मैं निकलूंगा, लेकिन तुम वही काम करना जो पार्टी तुम्हें बोलती। और जब निकला बाहर, मुझसे यहाँ के जो नगर से, यहाँ के जो जिला कांग्रेस के, जो कांग्रेस को चाहते जिंदा रहना चाहिए, कांग्रेस अच्छी रहना चाहिए, मैं उनको सलाम और बहुत बहुत दिल से, मतलब कोई मेरे से अल्फाज नहीं, उन लोगों ने इतना अच्छा बोला हो कि मेरे को दिल्ली से, कर्नाटक से मेरे को फॉलोअप में लग गया। मतलब कैसे हुआ, मैं तो किसी बोलने गया नहीं, तो मुझे एक बड़ा नाम का फोन आया कर्नाटक से, बोले क्या है, बोले बाबा अभी तो नहीं, इनकी यूटी तो तब तो नहीं। फिर मुझे कॉन्फिडेंस, तुमको कौन भरोसा बिहार में, तो जाहिर पहले मेरे एक बड़े भाई से, जब मैं पहले बार राजकारण में आया तो उनके माध्यम से हम चले थे, जाहिर भाई है उस टाइम के, माली साहेब उस टाइम के, अप्पा साहेब, रशीद भाई थे, प्रमोद पाटिल थे, मतलब ऐसे लोग के साथ में काम किया, इसलिए आज हमको कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और इसलिए मैं बोला महापौर से अगर मैं बातचीत करता हूँ, और उससे पहले महापौर साहब मुझे लाल झंडा देते थे, जब भी महापाली का कुछ काम लेके आता था, कान ने बोलते थे तू हाँ 25 ही जीतेगा, 25,000 जीतेगा, तो लाला तो देते रहते। और इसके बाद में फिर मुझे जब कॉन्टेक्ट चालू हुए तो सभी लोग उसमें अच्छा सपोर्ट दिए, मुझे सोएब गुंड साहब, पूरे नगर से, और मुझे जिस दिन दिल्ली से फोन आया गया, ऐसे तो महापौर साहब आए कि आपको जाना है मुंबई,
मैं भी चला गया दो तीन बस लेके अच्छे गाड़ी लेके। फिर पूछा जाओ ना भाई निश्चित की बात पर लगाओ, कभी आज तक गया नहीं इससे मिला इसी, अब क्यों भेज रहा हूँ तो जाओ। वहां गया तो कुछ कौन के खोटे लोग, कौन के खोटे लोग से देखो इतिहास निकालो कभी कौन का फायदा नहीं। कि ये चाहते थे कि संतोष शेट्टी को मत दो, किसी को दो, कुत्ता को दो, बिल्ली को दो, किसी को दो, मेरे पर भी आए थे समाधि। मतलब आप जानते हैं अभी तो पटारा पब्लिक को कांग्रेस कांग्रेस तो आया हूं, अब साइकिल वाले दौड़ाएंगे मुझे। तो कांग्रेस ने मेरे लोग को बहुत से लोगों को बातचीत करके क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन उस टाइम भी जो बातें हुई और उसके बाद दिल्ली साहब ने जो विजय बातें कहा वो बहुत भरोसे से कहा। तो दिल्ली से बहुत शान है, दिल्ली बोलते नहीं माइक के सबसे फर्स्ट नहीं चाहे तो अंदर तीन बार पूछ के क्या है। इसलिए जो मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद जैसी मैं तो निकला अपक्ष कि मुझे भरोसा भी नहीं था और भरोसा लेना भी नहीं था। अपक्ष निकलते निकलते कहा ना कहा इतना था कि जो मेरे कॉन्टेक्ट में थे और जो बीच में थे उनको एक डर था कि मैं भाग नहीं जाऊँ। तो मैं वादा कर दिया था मैं रहूंगा कहाँ जाऊंगा नहीं, अब कोई भागे गए लेकिन मैं मेरा काम करूँ। और मैं जो प्लानिंग किया था 8 से 9 हज़ार पब्लिक जो पूरे भिवंडी से जो 5 साल जो मेहनत की हमने हर एक को एक प्लानिंग के थ्रू हम लोग लेके गए और आते आते पहना था पीला झंडा फुटा गया अंदर प्राण पलटे का पीला लेके आए अपक भर गया बाहर गया बी फॉर्म आया फिर तिरंगा लगे हुआ क्या हो गया उसको। माहौल ऐसा देखते एक तो नसीब देखता है इसको कि हर चीज ने मेरे लाइफ में भगवान ने ना जो भी दुनिया में ताकत है मैं दुनिया को ताकत को मानता हूँ अल्लाह के इस बना पे भगवान है जैसे कुछ तो है जो चलाता है। और यार मैं देखा तो कांग्रेस फोन किससे करूँ, पहले जाहिद भाई को किया जाहिद भाई शोएब भाई नहीं उठा रहे मैं बात नहीं अलीमगढ़ नेता को उठाया पद लोग बोलना पड़ेगा ना दो लोग उठाए खाली लाड और खाली अहमद भी नहीं उठाए। अब करे क्या तिरंगा भी नहीं था एक से मांग के लिए गले में डाला और चल आप भारत कोई है ही नहीं तो मेरे लोग को बोला जाओ झंडा ले लो सामने। तो जैसी हुई सबके आप झंडा है तो मेरे लोग बोलते थे कि भाई साहब हैरान पुलिस को क्या हो गया इन लोग पीला से पकड़ के अंदर क्या किसको पता ही नहीं। ये सब मैं कहानी इसलिए बोला कि सब यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के सैनिक है आपको लड़ना है और आपके भरोसे में मिर्च और भाई को लड़ना है जीत निश्चित अपना दिमाग से निकाल दो क्या बात है एक नंबर जीत निश्चित है मार्जिंग निश्चित है तुम हटा दो उसको। मतलब मैं बहुत भरोसे बोलता हूँ मेरे को बड़ा बात नहीं बोलता मैं जो जमीनी लेवल की बातें करता हूँ जीत निश्चित खाली हमको एक ही संभालना है। अभी जो कुछ आए भाड़े से यहाँ पे इनको खरीद के लेके आए आते ही स्टेटमेंट आया उसका जवाब मुझे देना चाहिए आते ही हेलो आते ही मैंने देखा सेल मंगाओ सेल रईस एक चालू रईस रईस नाम का उम्मीदवार है हेलो रईस नाम का उम्मीदवार है मेरे बच्चे दोस्त पूछा था अरे तू भाई इधर क्या है अरे बच्चे बच्चे तो ये क्यों बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट जो देखा उसका मैंने स्टेटमेंट क्या था कांग्रेस